मैं आपके इस टूटे या डैमेज ग्लासेस को ठीक करके आपको दिखाने वाला हूं। उसके लिए मैं घर में यूज होने वाले कुछ चीजों के ओर आपका ध्यान देने के लिए कहूंगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक कैंची है, यहाँ पे एक तार देख सकते हैं, ये बहुत ही लोकल तार है, आप अपने घर में कहीं से भी निकाल सकते हैं। ये है अगरबत्ती की एक लकड़ी, और यहाँ पे देख सकते हैं एक कील है, और ये है एक टेप, ब्लैक कलर का सेलो टेप। तो यहाँ पर आप देखेंगे अक्सर ग्लासेस के साथ क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप मैं उठाता हूँ इसको, और जनरली होता यह है कि एक ग्लास बाहर आ जाता है। इस टाइप के सिचुएशन आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए हमारा फुल रिम फ्रेम है और उसका ग्लास जो है निकल चुका है। अब ऐसी स्थिति में आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, इसके लिए आपके पास इस टाइप के प्लायर्स नहीं होते हैं, ऐसे प्लायर्स आपके पास ऐसे स्क्रू ड्राइवर नहीं होते हैं। ये स्क्रू ड्राइवर इसके लिए परफेक्टली वर्क करता है, बट वो हमारे पास नहीं है, तो हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं। उसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, इस ग्लास को इस तरीके से बैठाइए, ये खुद ही ऑटोमेटिक अपने जगह में फिट हो जाता है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक स्क्रू दिखाई देगा। ये स्क्रू जो होता है वो एक प्लस मार्क में बना होता है, जो आप अपने घर के किसी भी कील से उसका यूज करके उसको टाइट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कील होता है उसका किनारा भी प्लस मार्क में होता है। तो आपको बस करना क्या है, उस स्क्रू के हेड में जाना है और घुमा देना है। तो इस तरीके से आप उसको टाइट कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये परमानेंट टाइट हो गया है, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि जब तक लॉकडाउन है तब तक आपको उसको लगाने में उतारने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, आपका पहला प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्टिक का अलग हो जाना, स्क्रू निकल जाना या यहाँ से टूट जाना, ऐसी स्थिति लगातार देखने को मिलती है और मेरे पास लगातार ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो चलिए इसका भी बहुत ही सीधा सीधा, हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज किए हुए हम अपने घर के सामान से ही इसको ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम उठाते हैं एक रॉड। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जनरली आप क्या करते हैं कि बस इसको पकड़ लेते हैं इस तरीके से और टेप मार देते हैं, उसके बाद ये कुछ दिन के बाद ऐसा ऐसा हिलने लगता है और वो सही तरीके से फिट नहीं होता और निकल भी जाता है। तो आपको करना क्या है, इसको इस तरीके से आप फिट कर लीजिए, बिल्कुल खांचे में ऐसा बैठा दीजिए। टूट भी गया है फिर भी वो उस अपने जगह में पहुंच जाता है। अब आपको क्या करना है, एक ये ले लेना है, एक तार कहीं से भी निकाल सकते हैं, इस तार को इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं बीच से तोड़ देता हूँ बहुत ही आसानी से। तो इसको मैं तोड़ देता हूँ, तो ये देखिए ये अलग हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सीधा कर लीजिए, अपने हाथों से सीधा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके जो फ्रंट है उसको हम थोड़ा सा ऐसा मोड़ देंगे इस तरीके से, ये देखिए ऐसा आपको मोड़ देना है। मोड़ने के बाद आपको क्या करना है, हमारा स्टिक जो है इधर से निकला हुआ है, तो हम इसको ऐसा रखेंगे, और ये थोड़ा सा अपने घर के किसी और सदस्य को पकड़ने के लिए भी बोल सकते हैं। और आपको ये मुड़ा वाला जो पोजीशन है वो आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है, इस तरीके से, ये बाहर से लगाना है। मैं इसलिए अभी आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ऐसा ही चश्मा यूज करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जब तक शॉप ओपन नहीं हो जाते तब तक आपको उस तरीके से ही यूज करना पड़ेगा। उसके लिए एक ये सभी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एक घरेलू सिस्टम है, मतलब आप अपने घर की चीज़ों से ही अपने चश्मे को, अपने टूटे हुए चश्मे को ठीक कर पाएंगे। तो इस तरीके से जब आप रॉड को रखते हैं, थोड़ा सा हेल्प कीजिए, आप भी अपने घर में अपने सदस्य को ऐसा पकड़ने के लिए कह सकते हैं इस तरीके से। तो बस इसको दबा के रखना है और नीचे वाली स्टिक को भी पकड़ के रखना है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, हमारा जो सेलो टेप है वो अब जब वर्क करेगा, तो इस तरीके से आपको सेलो टेप जो है लगा देना है, बड़े अच्छे से लगा देना है। अब अपना हाथ हटा दीजिए इस तरफ से, ये वाले हाथ हटा दीजिए, ये इस तरीके से, ये देखिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा इसको और अच्छे से करना है, थोड़ी और मजबूती के साथ। तो ये देखिए जो प्रॉब्लम जो पहले थी वो प्रॉब्लम अब आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, ये देखिए, और लगाने में भी बहुत ही आसान है। हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपने इसको ऐसा मोड़ दिया उसको फोल्ड नहीं करना है, इसको आपको अगर रखना है तो ऐसे ही सीधा रखना है। बाकी अगर आप इसको यूज करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी है मेरी। ओम टॉक चैनल हमेशा भी वैसे ट्रिक और बहुत सारे आइडियाज आपको लगातार देती रहती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम जनरली होता है, ये दोनों प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है यहाँ पे इस टाइप के फ्रेम, ये मेरे पास एक पॉलीमाइड फ्रेम है, जनरली इसमें बहुत टाइप के फ्रेम आते हैं, जैसे आपके पास प्लास्टिक की फ्रेम होंगी, जैसे कि लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप के फ्रेम आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, और टोटली ये प्लास्टिक या सीट या एसिटेटेड मटेरियल होती है, जिसमें सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि उसकी स्टिक टूट जाती है इस तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
इसकी स्टिक जो है टूट चुकी है, एकदम से अलग हो चुकी है। इसका सामान्य सीधा सीधा वो सिस्टम आप निकालते हैं, फेविक्विक पकड़ लेते हैं और चिपकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर से टूट जाती है। वो इसलिए नहीं चिपक पाती है क्योंकि इसको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उस सपोर्ट के लिए हमको चाहिए एक तार या फिर ये एक अगरबत्ती की जो लकड़ी है, पतली लकड़ी, उसको भी आपको इसी तरीके से ऐसा करना है। और अगर आपके पास फेविक्विक है तो पूरा पूरा इसको चिपका सकते हैं, और नहीं है तो आप सेलो टेप की मदद से इसको भी फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको भी फटाफट करके देखते हैं। इस तरीके से पकड़ लीजिए दोनों को मिलाकर, ये इस तरीके से, हाँ बस हो गया। अब हमको क्या करना है, इस एरिया को सबसे पहले यहाँ पे हम टेप मार देते हैं। मैं थोड़ा सा रफली वर्क कर रहा हूँ, बस ये आपको बताने के लिए है। अच्छा छोड़ दीजिए, ये देखिए आपकी स्टिक भी रेडी हो गई है। हम कह सकते हैं जैसे कि अगर आपके पैर की हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर वहां पर एक रॉड लगाते हैं ताकि एक अच्छे से जुड़ा हो सके और एक दूसरे में बैलेंस बना के फिक्स कर सके। तो वही सिस्टम है, इसको आपको अपनाना है और आप अपने ग्लासेस को यूज कर सकते हैं। इस लॉकडाउन में भी अगर आपके चश्मे खराब हो गए हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपके साथ है ओम टॉक चैनल। तो फ्रेंड, कई बार हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो ये जो कब्जे हैं वो टूटे नहीं होते हैं, सब कुछ ठीक होता है, बट यहाँ से स्क्रू निकल जाता है। स्क्रू निकलने की वजह से ये जो स्टिक है वो फ्रेम से अलग हो जाती है और आप इसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको उसके कब्जे में एकदम फिट बैठा के रखना है, जैसा होल बना है वैसा ही आपको रखना है। और आपको यहाँ पर यूज करना है, हो सकता है आप अपनी अगरबत्ती की लकड़ी जो है वो यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो तार भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप तार यूज कीजिए क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है और आपको इसको लगाने में आसानी होगी। अक्सर देखा जाता है कि ये जो तीनों होल है वो ठीक से अंदर घुस नहीं पाते हैं, आपको इसको काफी मशक्कत करनी पड़ जाती है। इसके लिए सबसे सीधा सीधा है, सिंपली सी आपको अपने तार को इस तरीके से आप डाल दीजिए और डालने के बाद इस तरह प्रेस कीजिए, और ऐसा जब आप प्रेस करते हैं और थोड़ा आगे पीछे करके आप इसको लगाएंगे तो आपका ये हैंडल जो है जुड़ जाएगा। ये देखिए ये हैंडल जुड़ चुका है। अब इस तार को हो सके तो आप चाहे तो काट सकते हैं, और आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप इसको मोड़ भी सकते हैं। ये इसलिए है कि आप अपने घर में इसको यूज कर पाएंगे, आपका जो नज़र है वो दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छे अच्छे पकवान खा पाएंगे। अच्छा